वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज यहाँ पे हम वेदांता लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट भी यहाँ पे देखने वाले। तो वेदांता लिमिटेड स्टॉक की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आज 425.40 पे ट्रेडिंग करता हुआ नजर आ चुका है वेदांता लिमिटेड स्टॉक, यानी कि 2 पॉइंट की गिरावट अभी तक हो चुकी है वेदांता स्टॉक के अंदर। तो वेदांता स्टॉक की बात किया तो आज यहाँ पे देख सकते हैं कि फ्लैट ओपनिंग दी थी, ओपन होती है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गिरावट देखने को मिली थी। तो गिरावट के बाद रिकवरी भी की, पर 2 से 3 बार यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो प्रीवियस क्लोजिंग थी उसका रेजिस्टेंस लिया वेदांता ने, वही से गिरावट देखने को मिली थी नीचे के साइड पर। नीचे जाके 420 लेवल एक सपोर्टिव लेवल है, तो वहाँ से सपोर्ट लेके फिर से बाउंस बैक किया है वेदांता लिमिटेड स्टॉक ने। तो वेदांता लिमिटेड ओपन होता आज 427.95 पे, हाई बनाया था 428.95 का और लो है 420 का। तो मार्केट कैप भी देखी जाए तो 1.58 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है वेदांता का, और पी रेशियो है 8.21 का और डिविडेंड यील्ड है 10.58% का। तो यहाँ पे वेदांता लिमिटेड ने पिछले 5 दिनों में यहाँ पे आप देख सकते हो तकरीबन गिरावट देखने को मिले, एक रिकवरी के बाद फिर से गिरावट यहाँ पे हो चुके हैं। और पिछले 1 मंथ की भी बात की जाए तो 1 मंथ में तकरीबन 6% अप है अभी तक वेदांता लिमिटेड स्टॉक। तो वेदांता का चार्ट एनालिसिस भी देखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते कल भी रजिस्ट्रेशन लिया था यहाँ पे मंथली रजिस्ट्रेशन 1 जो है उसका, और आज भी उसी रजिस्ट्रेशन का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लेता हुआ नजर आ रहा है। जब तक 430 लेवल को ब्रेकआउट करके ऊपर सेटल नहीं होता, क्लोजिंग नहीं देता, तब तक एक अच्छी मूवमेंट देखने को नहीं मिल सकती वेदांता लिमिटेड स्टॉक में। तब तक 429 टू 430 लेवल एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एक्ट होती ही जाएगी वेदांता स्टॉक के लिए। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट वेदांता स्टॉक के लिए।